भारत का जो एरिया देखेंगे हम, एरिया काफी छोटा है, और अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें तो भारत एक चिड़िया जैसे लगता है, लेकिन इस चिड़िया के पास दुनिया का एक चौथाई से ज्यादा सोना था। यानी सारी दुनिया एक तरफ, भारत एक तरफ, इतनी बड़ी हम इकोनॉमिक सुपर पावर थे। आज हम चाह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने, हम चाह रहे हैं कि हम दुनिया की सुपर पावर कहलाए, लेकिन चाहने और होने में अंतर है। और अगर ये अंग्रेज नहीं आते या इनकी जो कंपनी नहीं आती, तो शायद हम दुनिया के सुपर पावर जो थे हम आज से 300 साल पहले, वो तमगा आज तक हम रिटेन करते। ना यूएसए हमारे आसपास भटकता, ना चाइना भटकता, ना कोई और भटकता। ठीक है, तो ये हम बहुत तेजी से आगे जा रहे थे, और हमारी इसी जिसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए, हमारे पास इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस को देखते हुए, दुनिया भर के लोग हम पर अट्रैक्ट हुए। वास्को डिगामा का भारत आना समुद्री रास्ते से, वो भी रीजन ये था कि भारत से मसाले जा रहे थे, और वहां पे ऑटोमन एम्पायर ने कुछ मामला अवरुद्ध कर दिया था मिडिल ईस्ट में, इसलिए वास्को डिगामा ने सी रूट की खोज की। तो मोटे तौर पे हमारे देश में जो भी लोग आए, सिकंदर से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तक, वो लोग भारत में को गुलाम करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। शुरुआत में उनका ये था कि इतनी बड़ी मार्केट है और यहाँ पे हमें हर वो चीज मिलती है जो उनको चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे आए थे। और धीमे धीमे उनके मन का लालच बढ़ता गया, उन्होंने देखा कि भाई हम खरीददार क्यों बने रहे, क्यों ना हम यहाँ के जो दुकानदार है इसको हटा के हम मालिक बन जाए। मतलब आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, आप सामान लाते हैं, तो कभी कभी मन में उठता है कि काश हम इस सुपरमार्केट के मालिक होते, तो हमें सामान खरीदना ही नहीं पड़ता, सब कुछ मिलता हमें और हम दुनिया को बेचते। तो बस इनकी वही सोच ने भारत को गुलाम बनाया, क्योंकि ये सब ऐसा ट्रेडर आए थे, व्यापारी आए थे, बाद में राजा या रूलर बन गए। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, किस तरह भारत की जो रूरल इकोनॉमी थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो अपने चरम पे थी, जो अपने बुलंदियों पे थी, उसको इस तरह इन लोगों ने क्या क्या किया कि ये बर्बाद हो गई। और जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, वो 100 साल के अंदर बहुत बड़ा इम्पोर्टर बन गया, आयातक देश, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश, बहुत बड़े निर्यात, सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बहुत बड़े आयातक देश के रूप में बदल गया। तो इसको हमें देखना है। ध्यान रखिएगा, ये जो शहर की व्यवस्था है, जिसे हम कहते हैं सिटी इकोनॉमी, या जिसे कहते हैं अर्बन इकोनॉमी, ये कॉन्सेप्ट अभी 200 साल पहले का है, 200 साल मतलब विद इन 200 ईयर्स का है। शहर तो बनना अभी शुरू हुए, और शहर जो बन रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, औद्योगिकरण के बारे में। देखिए, गांधी जी भी कह गए थे कि भैया अगर हमने विलेज को मजबूत कर दिया, हमने ग्राम को मजबूत कर दिया, गाँव को मजबूत कर दिया, तो हमारे शहर अपने आप मजबूत हो जाएंगे, देश अपने आप मजबूत हो जाएंगे। और 2021 में ये जो पैंडमिक आई, तो आपने देखा कि जो माइग्रेशन हुआ वो शहर से गांव की ओर हुआ, शहर से लोग भाग भाग के अपने गांव गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर शहर में रोजी रोटी बंद हो गई, तो गांव अगर पहुंच गया तो खाना पीना तो मिलता रहेगा। मतलब आज भी 2021 में भी लोगों का भरोसा गाँव की ओर है। आपने देखा कितना बड़ा माइग्रेशन हुआ है। इंसान शहर क्यों गया था? रोजगार की तलाश में, वहां पे रोजगार मिल रहा था, उस रोजगार से उसको कुछ पैसा मिल रहा था, वो जो चाह रहा था कि उसका जो जीवन स्तर है वो अच्छा हो जाए, इसी चाह में वो गया था। लेकिन ये जो कोविड आया, इसकी वजह से इसका जो रोजगार था वो छिन गया, और जब इसका रोजगार छिन गया तो इसको पैसे नहीं मिले, इस आदमी को जब पैसे नहीं मिले तो इसका वहां पे शहर का खर्चा कैसे चलेगा। इसने अपने गाँव की ओर दौड़ लगा दी। हमने फर्स्ट जो लहर आई थी उसमें देखा था लोग पैदल ही चल दिए थे गाँव की ओर, सेकंड वाले में देखा कि लोग बस, गाड़ी, ट्रेन, कार से जा रहे हैं। ठीक है, लोग मुंबई से बिहार तक ऑटो से निकल गए, साइकिल से निकल गए। आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले भी गांव मजबूत थे। हम विलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आज 2021 में भी गांव मजबूत है। तो ऐसा गांव में क्या है, ऐसा गांव में क्या है कि गांव पे लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हम गांव पहुंच जाए, भले गांव में जाके मर जाए। हर व्यक्ति जो पैदल निकल रहा था वो भी बोल रहा था हमें अपने गाँव जाना है। और ध्यान रखिए, उसका गाँव मुंबई में रहने वाले एक व्यक्ति जो निकला है पैदल, वो पटना के लिए नहीं निकला है, वो ऐसा नहीं कि किसी मेट्रो शहर से किसी मेट्रो शहर के लिए पैदल निकला था, वो अपने गांव के निकला था। गांव मतलब छोटा सा गांव कुनबा, जहाँ 1500 2500 लोग रहते हैं। तो क्या है इस गांव में, जिसके लिए गांधी जी भी कह गए कि भाई ग्राम स्वराज की स्थापना करनी है। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत की बात करता है, और जिसके लिए हम बोल रहे हैं 400 साल पहले दुनिया सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो भी इसी गाँव ने बनाया था। आज 2021 में, 2020 में, इस पेंडेमिक की वजह से भी पूरे शहर के शहर खाली हो गए, गाँव गाँव ही आबाद है,
गांव लोगों को खिला भी रहा है, पाल भी रहा है, और इस समय भारत की जीडीपी के हर एक सेक्टर जो कि निगेटिव ग्रोथ रेट कर रहे हैं, निगेटिव मतलब वो अपने पिछले साल की तुलना में कम काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीकल्चर है, खेती है, जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रेट दी है और आपकी जीडीपी को संभाल के रखा है। कुछ तो बात थी गाँव में, और इन्हीं गाँव की वजह से चाहे सिकंदर हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, कोई भी हो, मोहम्मद गजनवी गौरी कोई भी हो, सब इस गांव की वजह से अट्रैक्ट हुए थे। तो अब जानते हैं गांव क्या था। गांव अपने आप में सेल्फ सस्टेन एंटिटी था, ये अपने आप में आत्मनिर्भर, जैसे आज मोदी जी कह रहे हैं, हमारे कोविड टाइम्स में भारत का नारा बना है आत्मनिर्भर भारत। ये कोई नया नारा नहीं है, हमें लगता है कि नहीं, मोदी जी ने कहा है कोई नया नारा, वो बिल्कुल नया नारा नहीं है, ये नारा तो पिछले 2000 सालों से चलता आ रहा है, या उससे भी पहले से, कोई नया चीज नहीं है ये, सेल्फ सस्टेन आत्मनिर्भर। मोटे तौर पे इसका अर्थ ये है कि अगर मुझे मुझे मेरी जो जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सारी जरूरतें मुझे मेरे गांव में पूरी हो जाती है। एक आदमी जिसको रोटी खाना है, उसे गांव में, ठीक है, उसको गांव में गेहूं मिल रहा है, क्योंकि तो गांव का किसान गेहूं उगा रहा है, ठीक है, गांव के किसान को पानी पीने के लिए घड़ा चाहिए, तो उसी गांव का कुम्हार घड़ा बना रहा है, उसी गांव के बच्चों को स्कूल चाहिए तो उसी गांव का टीचर उनको पढ़ा रहा है, वहीं गांव के लोगों को कपड़े चाहिए तो वहीं गांव में जो बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, वो कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, इन्हीं गांव के लोगों को आभूषण चाहिए तो वहां का जो सुनार है वो आभूषण बना रहे हैं। मतलब जो गांव है अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड है। इस गांव के लोग अमेजन से ऑर्डर करके सामान नहीं मंगवा रहे, 300 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी। ये गांव अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड था, इसका मतलब इस गांव की जितनी जरूरत थी वो गांव पैदा कर रहा था। अब ऐसा नहीं कि एक गांव है रामपुर नाम का, तो रामपुर में ही सारा काम मिल रहा है, रामपुर के बगल में अगर श्यामपुर है तो श्यामपुर से भी कुछ माल आ रहा है, लेकिन मोटे तौर पे जो भी आत्मनिर्भरता वाली बात है वो गांव की तक सीमित है। और एक आदमी उस समय पैदल चला करता था, तो उसकी पैदल चाल के हिसाब से जो दूरी थी मोटे तौर पे, मतलब मुश्किल से 50 किलोमीटर के दायरे में उसको सब कुछ मिल जाता था, सब मिल जाता था, उसका जीवन अच्छे से चल रहा था, वो खा रहा था, पहन रहा था, सो रहा था, आभूषण पहन रहा था, और अपना जीवन अच्छे से बिता रहा था, सब कुछ मिल रहा था उसे, अच्छे, मतलब हर एक आप जिसे कह सकते हैं ऑक्यूपेशन वो गांव पे आपको मिल रहा था। इसका मतलब गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था। गांधी जी यही कहते कहते चले गए कि अगर अपने गांव को मजबूत बना दोगे तो गांव मजबूत होगा, तो गांव के जब एक गांव मजबूत होगा, दूसरा मजबूत होगा, तो पूरी ग्राम पंचायत मजबूत हो जाएगी, ग्राम पंचायत मजबूत हो जाएगी तो जनपद पंचायत मजबूत हो जाएगी, जिला पंचायत मजबूत हो जाएगी, और जिला मजबूत हो जाएंगे तो देश राज्य सब मजबूत हो जाएंगे। तो गांधी जी भी कहते हुए चले गए। और यहाँ पे जो पंचायत, जो गांव था, इनका अलग से अपना रूल चलता था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलता था, मतलब गांव से जुड़े हुए जो भी नियम कायदे कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब यहाँ मेंटेन किए जाते थे, उसके लिए पंचायत सिस्टम था, उसके लिए पंचायत सिस्टम था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया था, एक एक गांव अपने आप में समृद्ध था, सशक्त था, सब कुछ था, वो आत्मनिर्भर थे हम 400 साल पहले, जो आज 2021 का नारा बना है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसी पंचायत में का जो मुखिया होता है उसे कहीं सरपंच कहते थे, कहीं प्रधान कहते थे, कहीं पाटिल कहते थे, कहीं हेडमैन कहते थे, कहीं ग्रामीक कहते थे, अलग अलग इलाके के हिसाब से नाम थे। बाद में ये जो व्यवस्था थी, ये जो हेडमैन है, इन लोग क्या करते थे भाई, गांव के अंदर सड़क बननी है, गांव के अंदर नहर बननी है, गांव के अंदर कुआं बनना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो कुछ टैक्स भी कलेक्ट करते थे, और उस समय जो सबसे बड़ा दानदाता था, या जो टैक्स दाता था, करदाता था, वो कल्टीवेटर था या किसान था। देखिए मैंने कहीं सुन रखा है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी, ये कोर्ट चला करता था 400 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले भी चलता था, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज क्या बोल रहे हैं, उत्तम नौकरी, हमें नौकरी चाहिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, जबकि हमारे जो सिद्धांत है या हमारे जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं निकृष्ट नौकरी, सबसे अच्छी थी खेती, और
और आज 2021 को देख के लग रहा है सबसे अच्छी खेती ही है, क्योंकि मैंने बोला एग्रीकल्चर सेक्टर ही आपको बचा के रखा है। अगर आपके देश में आपके किसान नहीं खड़े होते तो आप बर्बाद हो जाते। इंडिया चाइना का वॉर हुआ 1962 में, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिया था, किसी को याद है? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। उन्होंने ये नारा क्यों दिया कि जवान तो खेतों में, मतलब जो सीमा है वहां लड़ रहा है, लेकिन इस देश को चलाने के लिए जो किसान है अगर अपनी पैदावार अच्छी बढ़ा लें, क्योंकि ये उससे जो अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन था उससे भी लिंक था, अगर वो अच्छी पैदावार बढ़ा लें तो हम अपने देश की जो जरूरतें हैं वही पूरी कर लेंगे, और जो एक्सेस हम पैदा करेंगे उसको दुनिया में बेच के पैसा भी कमा लेंगे। तो 50-60 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री भी किसानों का आह्वान कर रहे थे। आज 2021 में ग्लोबल पैंडेमिक में दुनिया भर की इकोनॉमी खत्म हो गई, हमारी इकोनॉमी फिर भी खड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ खेती की वजह से। और आज से 400 साल पहले 500 साल पहले भी यही बात होती थी, उत्तम खेती होती है। पहली चीज तो खेती में क्या होता था, ये शायद ये लेक्चर देखो, ये लेक्चर जो है ये टू द पॉइंट एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन इस लेक्चर से आप स्टेटमेंट वाले सवाल हल कर सकते हैं, इस लेक्चर से आप अपने मेंस के सवाल हल कर सकते हैं, इस लेक्चर से आप अपने एसी के सवाल हल कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है, अगर नहीं समझाऊंगा ना तो आप लोग क्रांति के मूल विषयों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा लेक्चर वाइज लग रहा होगा यार क्या सर कहानी सुना रहे हैं, फिर भी सुन लो। जब हम खेती की बात करते हैं तो खेती में पहले देखिए, जो खेती कर रहा है वो मालिक है, जो खेती कर रहा है वो खुद जो जमीन का मालिक है, मतलब उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि ये जमीन मेरी है, उसको पता है अगर मैं अच्छी खेती करूंगा तो अच्छा पैसा प्राप्त करूंगा, जितना अच्छा पैसा प्राप्त करूंगा मेरा जीवन स्तर उतना अच्छा होगा। यहाँ पे जो खेती वाला है व्यक्ति है, जो किसान है कृषक है, वो मालिक है पहली चीज को, वो क्या है मालिक, और उसे किसी पर डिपेंड नहीं होना। खेती जितनी अच्छी खेती होगी, जितना अनाज होगा, तो अनाज की कभी ऐसे नहीं होता कि भाई ज्यादा अनाज हो गया तो कोई अनाज नहीं खरीदेगा। जब इस गांव से ज्यादा अनाज हो जाएगा, गांव की जरूरत के हिसाब से ज्यादा अनाज हो जाएगा, तो ये अनाज वो अपने बगल वाले गांव में बेच देगा, कहीं और बेच देगा, तो इसको ये टेंशन नहीं कि मैं ज्यादा अनाज उगा दूंगा तो क्या होगा, पहली चीज। दूसरा, ये अपनी जमीन का खुद मालिक है। तीसरा, जितना ज्यादा अनाज उगेगा उसको इसका सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ये अनाज अच्छा उगेगा। और अनाज सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने इतिहास में कई बार सुना है, बोला है कि भाई अकाल पड़ा बंगाल में, तिहाई पॉपुलेशन मर गई। मर गई मतलब खाने को नहीं था। अगर आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए हो अभी और आपके पास घर में खाने को नहीं, और अगले 4 दिन तक पूरा देश बंद रहे, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए है, कोई डिलीवरी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, पिछले लॉकडाउन में हमने ऐसा ही देखा, पैसा धरा रह गया, जिसके घर में खाना था वो जिंदा रह गया। तो यहाँ पे ये जो काम कर रहा है ना, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, पैसा का पैसा, जमीन है तो उसका मालिक भी वो खुद है, वो टैक्स दे रहा है। यहाँ पे मैंने बोला उस समय ये टैक्स देता था, ये सबसे बड़ा टैक्स पेयर था, इसके टैक्स की वजह से गांव का विकास हो रहा है, तो इसकी इज्जत थी समाज में, यार ये तो भैया खेतिहार है, ये तो भाई जैसे कहते हैं पटेल है, जैसे आज भी होता है बहुत, जिसके पास ज्यादा जमीन होती है उसे कहते हैं गाँव के पटेल है, ठीक है, गाँव के चौधरी है। तो टैक्स दे रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लोगों की जिसे कहते हैं लाइफ सिक्योरिटी कर रहा है, खुद मालिक है, ठीक है, और अपने अपने साथ साथ अपने और भी लोगों को काम दे रहा है, रोजगार दे रहा है, तो ये सबसे अच्छा माना जाता था। उसके सेकंड नंबर पे आता था व्यापार। व्यापार जो व्यापारी होता था उस समय का व्यापार क्या होता था कि भाई जैसे मान लीजिए ए ने कोई सामान बनाया और बी को खरीदना है, बीच में बैठ जाता था व्यापारी आके कि भाई ए से सामान लिया, 2 रुपए अपनी कमाई जोड़ी और बी को बेच दिया। आज भी ऐसा ही होता है, जिसे हम कहते हैं भैया जो किराना वाला आपको गेहूं चावल दे रहा है तो उसने उसके पास खेत नहीं है कि उसने गेहूं चावल उगाया है, वो कहीं और से लाया आपको दे दिया, फिर इसका कुछ पैसा रख लिया, इसे कहा गया व्यापार। इसने लोगों के काम मतलब जरूरतों को समझा और उनको आसान बनाया, घर तक पहुंच दे दी, तो इसे कहा जाता मध्यम, ठीक है। अगर खेती नहीं कर पा रहे, सबके पास जमीन नहीं होती, लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स, सबके पास जमीन नहीं हो सकती, तो भैया व्यापार कर लीजिए। सबसे अगर कुछ नहीं कर पा रहे, ना तुमसे व्यापार होता है ना तुमसे खेती होती है, तो तुम कर लो नौकरी, इसे कहते हैं निकृष्ट नौकरी। सबसे खराब काम कहा जाता था नौकरी करना, क्योंकि नौकरी में क्या, आप जिसके यहाँ काम कर रहे हैं वो तो मालिक है, वो आपसे काम कराएगा, आपको फिक्स सैलरी देगा, आपको फिक्स सैलरी देगा, और आपसे काम करा के मुनाफा अपनी जेब में रखे,
कार्ल मार्क्स यही तो कह के चले गए कि भैया जो जो आप लोग जो लेबर्स हैं, दुनिया के मजदूरों एकजुट हो, दुनिया के मजदूरों एक साथ हो, कि आप लोगों को एक फिक्स पगार मिलती है, लेकिन आपकी मेहनत से वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो जो मालिक है वो कमा रहा है बहुत। कई फिल्म देखी होगी आपने अमिताभ बच्चन वाली, उसमें वो सब लोग हड़ताल क्या करते थे, मिल मजदूरों की हड़ताल होती थी, हम लोग अभी पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक हुई थी, बहुत जगह होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है लेकिन आपसे काम लिया जाता है। हो सकता है आपको सैलरी मिल रही 10,000 रुपए और आपसे काम ले रहा 10 लाख का, मुनाफा उसमें कमा रहा 2 लाख रुपए का, तो आपको 10,000 देके वो 2 लाख रुपए निकाल ले गया और आपको मिला सिर्फ 10,000 रुपए। ज्यादा हुआ तो अगले साल बोलेगा ठीक है 11,000 सैलरी, 1,000 बढ़ा दिया और आपसे मुनाफा और ले रहा है। तो इसे कहता है निकृष्ट नौकरी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जब हमारी पूरी विलेज इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया, क्या कर दिया, पूरी विलेज इकोनॉमी को खत्म कर दिया। कैसे खत्म किए होंगे, अब आप खुद सोचो। अगर ये मैंने आप पूरा कॉन्सेप्ट बताया आपको कि हमारा इकोनॉमी कैसे चल रहा था, सबसे बड़ा रोल खेती वालों का था, फिर व्यापार वालों का, अगर अंग्रेजों को अटैक करना था हमारी इकोनॉमी में तो किस पे अटैक करेंगे आप बताइए। लैंड, खेती पर। बढ़िया, देखिए उन्होंने किस पे अटैक किया, उन्होंने अटैक किया खेती पे, यानी लैंड पे अटैक किया। दूसरा अटैक किया हमारे व्यापार पे, इन दोनों पे अटैक किया। और जब इन दोनों को खत्म कर दिया तो हम लोग किसके काबिल बचे, हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी के काबिल बचे, हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी के काबिल बचे। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसान को उसकी जमीन से निकाल दिया, कि व्यापारी को बोला व्यापार मत कर, लेकिन ऐसी शर्तें रख दी, ऐसी लिमिटेशन रख दी, इतने ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए इनके ऊपर कि इन लोगों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया, इन लोगों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो गया। तो ये लोग ने अपना धंधा बदला और फिर क्या बन गए, सीधे नौकरी में चले गए। और जब नौकरी की बात आई तो नौकरी कौन दे रहा था, कौन दे रहा था, सबसे बड़ा उस समय एम्प्लॉयर कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉयर। और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि मैं कॉलेज ने बोला था कि हम ऐसे भारतीय चाहते हैं जो कि दिखने में भारतीय, दिमाग से सोच से अंग्रेज, है ना, ऐसा वो कह रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी सबको एम्प्लॉय तो बना नहीं रही थी, सबको नौकरी बना नहीं रही थी। अब मान लीजिए उस समय सॉरी 1,000 लोग बर्बाद हो गए और वो सब नौकरी की तलाश में थे। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भर्ती निकाली 10 की, सिर्फ 10 लोगों की भर्ती निकाली, 10 ही को नौकरी मिलेगा, बाकी 990 लोगों को तो नहीं मिलेगा। तो जब 10 लोगों को नौकरी मिला तो 10 लोगों की समाज में इज्जत बढ़ गई कि वाह यार ये नौकरी पा गए। तो धीमे धीमे ये जो कॉन्सेप्ट था कि यार नौकरी कम होती थी, लोगों को कम मिलती, तो धीमे धीमे जो नौकरी वाला कल्चर है ना ये बढ़ गया, ये बड़ा रेस्पेक्टेड हो गया कि वाह यार इनके पास नौकरी, आज भी आप सब तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। अब मुझे सरकारी नौकरी करते हुए 9 साल हो चुके, लेकिन सरकारी नौकरी, और इसके पहले मैंने प्राइवेट नौकरी की, उस समय जो मेरा पैकेज था ना, आज भी मेरा वो पैकेज नहीं है 9 साल बाद भी। तो सरकारी नौकरी में, चाहे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी नौकरी में थी, आज सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ एमपी सरकारी नौकरी दे रही, लेकिन सरकारी नौकरी में पैसा बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत कम पैसा मिलता है, ठीक है। और अभी आप इकोनॉमी में आप देख रहे हैं कि जिसके पास पैसा हो गया, 2021 में आपने देखा जिनके पास पैसा था वो अपने घर वालों को बचा लेगा या कुछ और भी सस्टेन कर लेगा, जिनके पास पैसा नहीं था तो वो नहीं कर पाए। अल्टीमेटली हमने आज इस पेंडेमिक में देखा कि सबसे बड़ी चीज होती है पैसा। और उस समय क्या हो रहा था, ये 990 बेरोजगार थे, 10 लोगों को मिली नौकरी, तो 10 लोग कुछ तो कमाने लगते, कुछ तो अर्निंग हो गई। तो पहली चीज तो ये 990 से बड़े हो गए, इनके पास कुछ पैसा था, इनके पास रुतबा था, तो समाज में नौकरी वाला जो कल्चर था ना ये बढ़ गया, ये नौकरी वाला कल्चर बढ़ गया। हमारे देश में इतने अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमारी जमीन में कहा जाता है कि ये देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, क्योंकि आप इस जमीन में कुछ भी लगा दें वो उग जाएगा, हमारी जमीन इतनी फर्टाइल थी। और हमारे यहाँ लोग इतने सारे थे, इतने सारे उसमें उनमें काबिलियत थी कि बहुत सारी चीज बनाते थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज बनाते थे, हर कुछ बनाते थे हम, हमारे हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस, हमारे जो कलाकार हैं वो बहुत विश्व प्रसिद्ध थे उस समय। तो हम जब इन दो चीज में सेल्फ सस्टेन थे, हम इतनी अच्छी खेती कर रहे थे, हम इतना अच्छा व्यापार कर रहे थे, हम नौकरी में क्यों जाएंगे। लेकिन जब आप यूरोप की बात करो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी, ब्रिटेन की थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन कहाँ का है, यूरोप का। यूरोप की आप आज देखेंगे हालत तो कहने को बहुत डेवलप्ड नेशन है, लेकिन ये डेवलप्ड बने हमारे आप जैसे छोटे छोटे देशों को लूट के। इनकी ना जमीन फर्टाइल है, ना इनके पास रिसोर्सेस है, ना इनके पास अच्छा वातावरण है या फिर अच्छा क्लाइमेट है। बर्फ पड़ रही तो बर्फ ही पड़ रही, हमारे यहाँ तो सारे मौसम होते हैं। इन लोगों में क्या था, खेती तो हो ही नहीं पाई, यूरोप में खेती तो हो ही नहीं पाई। अगर खेती होती तो ये मसाले के लिए भारत क्यों आते, इंडोनेशिया क्यों जाते,
ठीक है, व्यापार व्यापार इनके यहाँ नहीं हो पाया, क्योंकि व्यापार करने के लिए आइटम्स चाहिए, गुड्स चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, जब इनके यहाँ कुछ बनता ही नहीं तो बेचेंगे क्या? जब इनके यहाँ दोनों चीज नहीं हो पाए तो इन लोगों ने दुनिया भर के देशों का रुख किया, इन दोनों लोगों ने दुनिया भर के देशों का रुख किया। दूसरा, ये जो यूरोपियंस लोग थे, या जो जैसे हम कहें कि अमेरिकन लोग हैं, यहाँ पे जीवन बड़ा कठिन था। आज भले आपको दिख रहा है कि दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट सिटीज यूरोप के हैं, सब यूरोप टूर करना चाहते हैं, यूरोप उनके लिए ख्वाब है, लेकिन आज से 1000 साल पहले या 1500 साल पहले वहां पे लोग बसा भी नहीं करते थे। दुनिया की सभ्यताएं जो है वो चाइना में विकसित हुई, मेसोपोटामिया में विकसित हुई, भारत में विकसित हुई, इजिप्ट में विकसित हुई, कोई आप ऐसी सभ्यता नहीं बताएंगे जो यूरोप में विकसित हुई। मतलब आज से 2-3 हजार साल पहले यहाँ पे लोग, अब जो सिविलाइज लोग हैं वो रहा नहीं करते थे। एक एस्टेक सिविलाइजेशन है, वो मैक्सिको की भी बहुत बात की है। यहाँ पे सब ट्राइबल्स लोग थे, यहाँ का जीवन बड़ा मुश्किल था यूरोप का। जब इतना मुश्किल यहाँ पे जीवन था तो यहाँ पे जिंदा रहने के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी, खूब लड़ाई इन लोगों ने की है। एक वाइकिंग्स लोग हैं, आप लोगों ने कई बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, वाइकिंग्स लोग उधर जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां पे, तो जब ये लड़ा करते थे तो लड़ाकू तो बहुत अच्छे थे, ये लड़ने में बहुत तेज थे, और इनको पता था हम लड़ेंगे नहीं तो मर जाएंगे, हमें दूसरे को मार के ही जिंदा रहना पड़ेगा। तो इनके लड़ने की वजह से, इनके लड़ने की प्रवृत्ति की वजह से इन लोगों ने दुनिया भर में अटैक किया। और जब देखिए, एक व्यक्ति है जिसको बिना कम मेहनत करके रोज 2 रोटी मिल रही, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको रोज लड़ाई करनी पड़ती है तब आधी रोटी मिलेगी, तो वो लड़ाई करने वाला व्यक्ति चालाक भी हो जाएगा, क्लेवर भी हो जाएगा, और वो बड़ा क्रूएल भी हो जाएगा, क्योंकि तो उसको जिंदा रहने के लिए रोज लड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम आप है, हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि आज घर में खाना बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन कोई जो रैक पिकर से जो कचरा बिन रहा है या फिर कोई जो ठेला चला रहा है, उसको रोज मेहनत करनी पड़ती है कि आज 200 रुपये 300 रुपये मिल जाए तो हम खाना खा ले, तो उसका जीवन हमारे जीवन से बहुत कठिन है। तो हमसे ज्यादा वो वायलेंट होगा, उसको गुस्सा जल्दी आएगा, और वो हमसे ज्यादा एक तरह से हार्श होगा, उसकी जुबान भी खराब होगी, वो लड़ने को भी उतारू रहेगा, क्योंकि उसने जीवन बड़ी कठिनाई से देखा है। ऐसे ही यूरोपियंस और अमेरिकन लोग, इन लोगों की ने जब दुनिया भर खोज खोज ली, भाई इनको ऐसे जमीन चाहिए थे जहां सब कुछ हो जाए, जब ये भारत की ओर निकले, इनको इन्होंने देखा, हम सिकंदर से बात कर रहे हैं अभी तक के, इनको हमेशा भारत अट्रैक्ट किया कि यार ये अच्छी जमीन है, सब कुछ होता है, इतनी अच्छी खेती। जब ये विदेशी ट्रेवलर्स भारत आते थे तो इनकी आंखें फटी हुई रह जाती थी, क्योंकि हमारे देश में जब ये राजा महाराजाओं के जाते थे दरबार में, तो दीवारों में सोना लगा होता था, दीवार में सोना लगा हुआ है, वहां वो सोना देख नहीं पा रहे, क्योंकि तो मैंने बोला आज से 500 साल पहले सोना प्रेशियस मेटल्स था, मतलब वो एज अ आज भी है, आज भी सोना का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन तब सोना जो था, या जो हीरे थे या चांदी थे, ये बार्टर सिस्टम में उपयोग होते थे, मतलब जिस तरह करेंसी का काम होता था उस तरह उस समय ये प्रेशियस मेटल्स का काम होता था। तो हमारे मंदिरों के दरवाजे, हमारे राज दरबार के दरवाजों में सोना लगा हुआ है, दीवारों में सोना लगा हुआ है, आप लोगों ने रामायण महाभारत देखी होगी, सब लोग हाथों में सोना पहने, सिर में मुकुट में सोना पहने, तो ये सब देख के पगला जाते थे, क्योंकि तो ये लोग क्या पहन रहे हैं कपड़ा, ये लोग लगा रहे थे जैसे ऊन के कपड़े पहन रहे थे, और भी ऐसा कुछ मोटा मोटा कपड़ा पहन ले रहे थे, ये पूरे आदिवासी लग रहे थे, और हम यहाँ पे देखिए सोना चांदी हीरे जवाहरात पहन रहे हैं। ठीक है, राजा जी खुश हो गए, लाओ सोने की थाल लाओ, हीरे की थाल लाओ, इतनी प्रॉस्पेरिटी थी हमारे यहाँ, जिसको देख कर ये लोग आए, और ये प्रॉस्पेरिटी सबसे बड़ी हो रही थी खेती की वजह से। हमारा किसान इतना टैक्स दे रहा था राजा महाराजा को कि राजा महाराजा झोली भरी रहती थी, बहुत टैक्स देता था, और उस समय जब किसान टैक्स भी देता था ना, तो उसका टैक्स 1/3 से लेकर 1/6 हिस्सा था, मतलब नॉर्मल टाइम में तो अपनी उपज का मोटे तौर पे 15% टैक्स देता था, लेकिन जब मान लो कभी युद्ध हो जाए, या राजा ने बोला यार इस साल युद्ध हो गया है और हमें ज्यादा पैसा चाहिए, तो 33% तक किसान से टैक्स लिया जाता था, मतलब 1/3 मैक्सिमम। इतना लेने, इतना कम लेने के बावजूद भी हमारे राजा महाराजा बिल्कुल अमीर थे, हम सोने की चिड़िया थे, हम सोने की चिड़िया थे। और जब इतनी जब अच्छी इतनी जब खेती हो गई, और खेती अच्छी हो रही, खाने को पर्याप्त पूरे देश में, तो बाकी लोग लग गए दूसरे कामों में, सब तो किसानी कर नहीं रहे, बाकी लोग दूसरे, कोई कलाकार बन गया, कोई गीतकार बन गया, कोई साहित्य लिख रहा है, कोई वेद लिख रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहा है, कोई कठपुतली बना रहा है, कोई शॉल बना रहा है, कालीन बना रहा है, कोई जैसे कहते हैं मूर्ति बना रहा है, तो बाकी चीज और बने, तो हमारा आर्ट एंड कल्चर बहुत स्टैब्लिश हो गया, क्योंकि तो हमें ये टेंशन नहीं था कि खाने को क्या, किसान तो कर ही रहा है। उस समय मान लो 100 लोग थे, तो 500 लोगों का खाना 5-10 किसान उगा रहे थे, बाकी 90 लोग तो खाली हो गए, उस 90 से भी 20-30 लोग सैनिक बन गए, बाकी 20-30 लोग कुछ और बन गए, तो हमारा आर्ट एंड कल्चर बहुत बढ़िया हो गया। आप लोग देखते हैं कि खजुराहो के मंदिर हो गए, या मीनाक्षी टेम्पल हो गया, या बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, ये सब इतनी अच्छी अच्छी चीजें कैसे बनी, क्योंकि हमें ये टेंशन नहीं था कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या ओढ़ेंगे,
कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना होए, तो जब हमारे देश का पेट भरा था तो सब क्रिएटिविटी निकली, हमने मास्टरपीस बनाया दुनिया के लिए। हमने ताजमहल से लेकर बृहदेश्वर टेम्पल या खजुराहो के टेम्पल हो, हम लोग देख के अचंभे हो जाते, कितनी ऊंचे ऊंचे टेम्पल्स इन्होंने कैसे बना दिए। उस टाइम तो ना बिजली थी ना क्रेन था, फिर भी हमने बनाया। हमने इतनी बारीक नक्काशियां की हैं, या फिर इतनी अच्छी केव्स है हमारी औरंगाबाद में, अलोरा में, ये सब देखिए, मतलब दुनिया देखने आती है आज कि ऐसा कैसे कर दिया। ये चीज आपको यूरोप में नहीं मिलेगी, यूरोप में मॉडर्न चीज मिलेंगी कि एफिल टावर है, यूरोप में आप देखेंगे कोई कोलोजियम है, ये सब मॉडर्न मॉडर्न चीज है। यूरोप में कोई मस्जिद है, यूरोप में कोई चर्च है, ये सब 400-500 साल पुराने हैं। हमारे यहाँ मिलो 10-10 हजार साल पुराने भीम बैठ कर गुफाएं दिखा देंगे आपको। हम अपने आप में क्या थे, सेल्फ सस्टेन थे, हम आत्मनिर्भर थे। हम इतने ज्यादा आत्मनिर्भर थे कि अपना तो पेट भर ही रहा था, दुनिया भर को और बांट रहे थे। हमारे कालीन दुनिया भर के राजा महाराजाओं के यहाँ शान बढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि इजिप्ट में जो मम्मी वाला कल्चर है कि राजा महाराजा जब मरते थे तो उनको बकायदा लेप लगा के कपड़ों से बांधते थे, कि ऐसा मानते थे कि ये मरने के बाद वापस आएंगे। तो हमारे देश के जो टेक्सटाइल्स थे, मुस्लिन एक कपड़ा होता है, मस्लिन नाम का, बांग्लादेश में होता था उस समय, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, आज भी होता है। उन मम्मी में हमारा मुस्लिन यूज हुआ है, इतनी इतनी बारीक, इतनी स्टैंडर्ड हाई ग्रेड, जैसे कहते हैं क्रिएटिविटी के साथ हम सामान देते थे। दुनिया भर में शान से रखते थे राजा महाराजा, कि ये भारत की कालीन है, ये भारत की चादर है, ये भारत की टोपी है, ये भारत की हस्तशिल्प है, ये भारत की हैंडीक्राफ्ट है। हम मतलब जैसे कहते, और एरिया हमारा छोटा सा था, दूसरे थे हम चिड़िया लगते थे, इसलिए हमारा नाम है सोने की चिड़िया। यार है तो छोटी सी लेकिन दुनिया पे राज कर दे। और उस समय आप देखिए मैक्सिमम भी टैक्स कितना था, 33% मैक्सिमम टैक्स। और मैंने आपको रैयतवाड़ी महालवाड़ी सब पढ़ाया, उसमें टैक्स 60-60% तक ले रहा था, 60-60%, कहीं कहीं 80-80% ले रहा। तो जब ये इतना कम टैक्स देखिए, भी नॉर्मल टाइम में तो सिर्फ 15% टैक्स, मान लो 15 बोरी आपने गेहूं निकाला है तो 100 बोरी गेहूं निकाला है तो 15 बोरी दे दो राज परिवार को या जो भी टैक्स ले रहा है, और बाकी अपना रखो। ये जो मैंने ब्रीफिंग दी थी आप लोगों को समझ में आ रही कि भारत का इतिहास क्या था 500 साल पहले? जी सर, यस सर, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे, गांव का एक मुखिया होता था जो टैक्स उस कलेक्ट करता था। ये जो कलेक्टर शब्द आया ना कलेक्टर, ये तो अंग्रेजों की देन है, वॉरन हेस्टिंग की। और हमने देखा पंचायत सिस्टम था, पंचायत सिस्टम सारे आज भी मसले उससे सुलझाती थी। आज तो पंचायत को हमने लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली जाओ पहना दिया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, लेकिन उसके पहले भी पंचायतें होती थी, गांव की पंचायत ने फैसला दे दिया, क्योंकि छोटे मोटे फैसले होते हैं तो वो पंचायत अपने स्तर पे हल कर देती थी। बड़ा होता तब जाता था कोर्ट कचहरी में। उस समय कोर्ट कचहरी भी क्या थी, उस समय जो राजा महाराजा था उनके दरबार में पहुंचते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं, खाने को पर्याप्त था, जिसका जिसमें हुनर है वो चीज यूज कर रहा था, अगर आप अच्छे गायक हैं तो आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा था। बैजू बावरा हो या तानसेन हो, देखिए बड़े बड़े राज दरबार में इन्होंने गाया। आप अच्छे मूर्तिकार हैं, आप अच्छे डांसर हैं, हमारे देश में नाट्य शास्त्र हो गया, या फिर जैसे देखें जो हमारे क्लासिकल डांस है, ये सब ऐसा नहीं कि अभी 400 साल पहले के आए हैं, बहुत बस जो लेटेस्ट है मेरे ख्याल से 17 सबसे लेटेस्ट है, बाकी सारे क्लासिकल जो डांस हैं वो सब बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़िया थी कि हम अपना पेट पाल रहे थे, हम दुनिया का पेट पाल रहे थे, हम दुनिया का भी पेट पाल रहे थे, और इससे हम बहुत पैसा कमा रहे थे। दुनिया में अगर 100 रुपये का माल बिक रहा तो 25, मिनिमम 25 रुपये का तो हम बेच रहे थे। और हमारे जो भी क्राफ्ट है, जो भी कपड़े थे, कॉटन टेक्सटाइल्स थे, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ा उद्योग, तो दुनिया भर में धूम मचाया हुआ था। और कॉटन हमारे यहाँ अच्छा होता ही है, ठीक है, गुजरात है या MP का माल हुआ, यहाँ पे तो कॉटन ही कॉटन होता है। और कॉटन को हम क्या कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है, छोटे लेवल पे कोई छोटा राजा था उसके ऊपर कोई बड़ा राजा था, और हमने देखा कि जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उसने एक तरह से पूरे देश को एक कर दिया, सबसे ऊपर मुगल बैठा हुआ था, बाकी उसके नीचे छोटे छोटे राजा बैठे हुए। हम लोगों ने इतिहास में देखा है कि चाहे हैदराबाद हो, चाहे बंगाल हो, ये सब मुगलों के अधीन थे, मतलब मुगलों को ट्रिब्यूट दिया करते थे, मुगलों को पैसा दिया करते थे। जैसे आज होता है कि हम कहने को हम MP से बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर शिवराज गवर्नमेंट है, लेकिन शिवराज गवर्नमेंट के ऊपर भी मोदी गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसी दौर में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती है।
ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती तो आई कैसे थी, एज अ ट्रेडर बन के आई, उन्हें यहाँ पे करना था सिर्फ और सिर्फ व्यापार। और व्यापार का कॉन्सेप्ट आप जान लिए, एक एक व्यक्ति से ले कुछ अपना कमीशन जोड़े और दूसरे व्यक्ति को बेच दे अपना मुनाफा जोड़ के, ये करने आए थे, चाहे वास्को डी गामा कोई और, यहाँ से मसाला लिया कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ा और वहाँ बेच दिए। धीमे धीमे इनके मन में ख्वाब जगा कि यार इस सुपर मार्केट से हम सामान लेके जाते हैं और कहीं और बेच देते हैं, क्यों ना हम सुपर मार्केट के मालिक बन जाए। ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि इस सुपर मार्केट का माल दुनिया भर धूम मचा रहा था। दूसरा, इसी बीच में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, जिसे कहते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि गांव अपने आप में क्या था, सेल्फ सस्टेन था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था। धीमे धीमे जब गांव ने अपनी जरूरत से ज्यादा उपजाना शुरू किया, जैसे किसान को जरूरत थी 100 बोरे की, उसने 1000 बोरा उगा दिया, ठीक है, एक कुम्हार है उसके गांव में खपत है 50 खड़े बेचने की, वो 500 खड़े बना रहा है क्योंकि उसको ऑर्डर मिल रहे थे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि हर गांव में गेहूं हो जाए, भाई जमीन अलग अलग होती है, भाई किसी गांव में गेहूं अच्छा हो रहा, किसी गांव में चावल अच्छा हो रहा, तो सब कुछ चल रहा था बढ़िया। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, इनकी जो आवक है ये बढ़ानी शुरू हुई, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या?